जो कल का दिन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। दादी का श्राद्ध है कल, तो हम जो है सारा सामान लेकर आ गए हैं, जो भी श्राद्ध में लगता है, पूजा का और जो खाने पीने का होता है वो भी लिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ पापा को। ये रहे पापा, आप शौक मत हो जा रहा। पापा ने दाढ़ी जो है अपनी पूरी अच्छे से शेप में लाए थे पिछले हफ्ते ही, और अब कटवा दी पापा ने। मेरे को ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो फर्स्ट श्राद्ध होता है उसमें हेड शेप करवाना पड़ता है, पूरे बाल उतरवाने पड़ते हैं। अच्छा चलो अब देखते हैं कि अब किस किस को आप दिखाते हो और सबको आपको देख के क्या फीलिंग आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मिन्नी है। आप मिन्नी, आपको कैसा लग रहा है? पापा कैसे हैं? खाना खा रही है तो कैसा लग रहा है पापा? मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको? हैं, नहीं लग रहा? कैसा अच्छा लगता मैं आपको बालों में? गाइस मैं अब आपको दिखाती हूँ डप्पू को। पापा को पहचान नहीं रहा है वो, पापा को ना देख के रो रहा है। ये देखो मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे पहचान नहीं रहा। पापा में पापा, पापा में पापा। तो गाइस 7:15 बज गए हैं और पंडित जी ने जो टाइम दिया था आने का वो था 7 बजे का, तो 15 मिनट बाद वो आ जाएंगे। बाकी हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है, मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ, गिन्नी भी तैयार हो गई है और ब्रेड लेने जा रही है ये मिन्नी के लिए। मिन्नी की आज छुट्टी नहीं है। सामान पूजा का है, ये पूजा की सामग्री है। क्या खा रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, पता है आपको? जो खा रहे हो क्या बोलते हैं उसको? और देखो दोस्तों ये इतना डरती है ना कुत्तों से, इसको मैंने ब्रेड लेने के लिए भेजा, 3-4 कुत्ते खड़े थे नीचे, वापस आ गई है, गई नहीं ब्रेड लेने के लिए। अरे ऐसे खड़े हो रखे थे। हाँ तो ये थोड़ी बोल रहे थे कि आजा गिन्नी, हम तेरा ही इंतजार कर। सुबह सुबह उठ गया है, अभी नहाया नहीं है, बस ये इसको ऐसे तैयार किया हुआ है। जिन्होंने ली थी कसम, मिलके चलेंगे हर दम, अब बांटते हैं ये गम भी। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए। दादा कैसा लग रहा है आपको? क्या ठीक है? हैं? ठीक है। अच्छा सही लग रहा है। क्या बोल, दादी का श्राद्ध है आज? हाँ क्या करें फिर, अगले साल हमारा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सवालों